यही दो चीज हम लोगों को बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी चीज फोकस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो क्लियर हो गया सबको, ये बात समझ में आ चुका है। अब हम लोग अपने एनसीईआरटी के ऊपर मूव करेंगे। वेट, अब हम लोग एनसीईआरटी की बुक के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लास 12th वाली। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ गाइस, चलो होप सो सबको स्क्रीन मेरी बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी, रिप्रोडक्शन यूनिट की, है ना। तो रिप्रोडक्शन यूनिट, ये जो यूनिट है इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं, सबको पता है टोटल इसमें 4 चैप्टर्स हैं। मैंने कल भी ये बात बता रखा था, आज भी बता दे रहा हूँ। चलो तो हम लोग आज क्या कौन सा यूनिट पढ़ने पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन यूनिट में कौन सा पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, क्लियर है। ओके तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो ये टॉपिक है, मैं एक चीज इसमें बता देना चाहता हूँ सबको इस चैप्टर के बारे में। मैंने तुम लोगों को एक बात बोला था कि मैं एनालिसिस करके पढ़ाता हूँ हमेशा, है ना। एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो 2021 में, तुम्हारे 2021 में जो लास्ट ईयर नीट हुआ था, है ना, उसमें एक भी क्वेश्चन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से नहीं आया है। तो इसका क्या मतलब कि 2022 में भी नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, नो एनी क्वेश्चन क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर चैप्टर लेकिन बट, है ना, 2008 से लेकर के 2020 तक इस चैप्टर से, है ना, इस चैप्टर से, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे पता है तुम लोगों को? अब तक आ चुके हैं 6 + 6 + 4 + 1, टोटल कितने हो गए? लगभग 17 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं इन लास्ट 12 इयर्स में, ठीक है, 12 इयर्स में, ठीक है। सो देखो एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली है कि ये चैप्टर हम लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है ये चैप्टर इस बार के लिए, क्योंकि इस बार डेफिनेटली श्योर या तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, नहीं तो दो क्वेश्चन डेफिनेटली नीट में पूछा ही जाएगा। ओके, अब हम लोग एक इस यूनिट के अंदर कौन से टॉपिक से अब तक क्वेश्चन आई है तो वो भी देख लेता हूँ। इस यूनिट में जब हम लोग ये यूनिट स्टार्ट, इस यूनिट का जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मैंने हमेशा बोला बताया है, लास्ट टाइम में मैं क्लास में बता रहा था कि हर यूनिट से पहले एक साइंटिस्ट का नेम होता है ना, हर यूनिट से पहले एक साइंटिस्ट का नेम होता है। तो वो साइंटिस्ट का जो नेम है वो बिल्कुल याद रखना होता है, और वो साइंटिस्ट के नेम से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में भी, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे देखो, ये जो साइंटिस्ट है पंचानन महेश्वरी, है ना, पंचानन महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी जो सर थे ये क्या थे? बॉटनिस्ट हैं, ठीक है। ये पंचानन महेश्वरी क्या थे? बॉटनिस्ट हैं, मतलब जो बॉटनिस्ट किसको कहा जाता है, जो पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करते हैं, जो प्लांट लाइफ स्टाइल मतलब प्लांट्स से रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं उनको बॉटनिस्ट कहा जाता है, ठीक है। इस इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है नीट में वो इस लाइन से आ सकती है, ही वर्क ऑन एम्ब्रायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। उन्होंने काम क्या किया था? उन्होंने काम ये किया था कि
कि एम्ब्रायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे। एम्ब्रायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का मतलब ये होता है बाबू कि जब पेड़ मतलब फ्लावर जन्म लेने वाला होता है, तो वो पहले कली बनता है ना, तो कली जो बन रहा है तो उस कली में मतलब उस कली का एक एम्ब्रायोनिक पीरियड है, वो डेवलप हो रहा है। तो उस पीरियड में उस एस्पेक्ट को, उस एम्ब्रायोलॉजिकल, उसी को एम्ब्रायोलॉजिकल एस्पेक्ट बोला जा रहा है, ठीक है, एज मतलब जो हम लोग फ्लावर के बारे में जो पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भी टैक्सोनॉमी में लाया। टैक्सोनॉमी क्या होता है सबको पता ही होगा, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी। तो उन्होंने एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भी कहाँ लाया? टैक्सोनॉमी में लाया। एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब उनके जो वो डेवलप कर रहे थे, तो उनमें क्या क्या गुण देखा गया, कौन कौन सा कैरेक्टर्स देखा गया, उन कैरेक्टर्स के आधार पे उन्होंने टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन किया, मतलब क्लासिफाई किया। टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है क्या? लगभग क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इससे जो नीट में अभी तक कभी भी क्वेश्चन इस साइंटिस्ट से रिलेटेड ये नहीं पूछा गया, बट इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर नीट। ठीक है, चलो अब हम लोग चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं। चैप्टर के ऊपर जैसे हम लोग आते हैं, तो चैप्टर के ऊपर जैसे हम लोग आते हैं, तो हम लोग, मैंने बताया अभी जस्ट कि इस चैप्टर से 17 क्वेश्चन आए हैं अब तक। 17 क्वेश्चन आने की वजह से इसमें से 4 टॉपिक से बेसिकली अब तक क्वेश्चन आए हैं। 17 क्वेश्चन तो आए हैं 12 सालों में, लेकिन 4 टॉपिक से आए। वो 4 टॉपिक कौन से थे इस चैप्टर के अंदर में? वो 4 टॉपिक ये हैं। पहला तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अब तक 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन है ना, लास्ट 12 इयर्स में, 2008 से 2020 के बीच में। ठीक है, 6 क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी अब तक 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर दूसरा जो टॉप तीसरा जो टॉपिक से पूछा गया है, वो टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए अब तक? 4 क्वेश्चन। और एक टॉपिक ये जो थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट के भी बोल सकते हो, थोड़ा सा इस चैप्टर में थोड़ा सा डेप्थ में ये टॉपिक, टिश्यू कल्चर, उससे अब तक 1 क्वेश्चन आया है, एक ही बार, ओनली सिंगल क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आया? सिर्फ 1 क्वेश्चन आया। ठीक है, सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से, 1 क्वेश्चन। चलो तो अब हम लोग इसका इंट्रो पार्ट जो है एनसीईआरटी का, बिकॉज एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होने की वजह से हम लोग एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन टू लाइन हर एक वर्ड पढ़ेंगे और उससे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो करेंगे। ठीक, तो चलो पहला लाइन जो सेंटेंस मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो देखो। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिविंग रह सकता है, उसके बाद वो मरना ही मरना है। ठीक है ना। ओ तलहा सर, ये जो बच्चे वेटिंग रूम में आ रहे हैं, आप उनको ऐड करते जा रहे हो ना? हाँ, सब ऐड हो रहे हैं। आपके पास एक नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई नहीं, सब ऐड हो ओ रहा ओके सर, फाइन, बस मैं कंफर्म कर लिया। और बच्चों की स्क्रीन बहुत अच्छे से दिख रहा है ना सर आपको? मेरा स्क्रीन विजिबल है ना सही से? बिल्कुल है। लेकिन थोड़ा जूम करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा, थोड़ा सा कंटेंट को जूम कीजिए। हाँ ठीक है। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। तो मैंने जूम कर दिया है, ठीक है ना। चल, तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सारे ऑर्गेनिज्म उस समय तक ही जीते हैं, है ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक लाइन ये इम्पोर्टेंट है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन किसको बोला जाता है? लाइफ स्पैन बोला जाता है जब इंसान पैदा हुआ और जब इंसान की मृत्यु हो गई, तब वो पीरियड क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है। अब जैसे कि तुमने यहाँ पर ये साइंटिस्ट के बारे में देखा था, है ना,
तो ये साइंटिस्ट बेचारा देखो कब पैदा हुआ था, 1904 में, बर्थ डेट बर्थ क्या था, और ये मरा कब था, 1966 में। तो ये जो पीरियड हुई इसकी, ये क्या कहला गई, लाइफ स्पैन कहलाया। ये क्या कहलाया, लाइफ स्पैन कहलाया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। तो ये जो नीचे में एनसीईआरटी में फिगर था, है ना, फिगर है, इस फिगर में लाइफ स्पैन के बारे में मतलब बताया हुआ है हर ऑर्गेनिजम्स का। तो हम लोग जानते हैं कि एलिफेंट की, मैंने बोला भी था लास्ट क्लास में, पता करके आना, ऐसे बहुत बच्चों को पता भी होगा, 65 ईयर्स के अप्रोक्स होती है। ठीक है ना, एलिफेंट की लाइफ स्पैन लगभग 65 साल होती है। रोज प्लांट की जो लाइफ स्पैन होती है बाबू, वो 5 से 7 साल होती है। ओके, डॉग डॉग की जो लाइफ स्पैन होती है वो कुछ 10 से 20 साल होती है। ठीक है, और बटरफ्लाई की तो मेंशन है 1 से 2 हफ्ते, क्रो की मेंशन है 15 साल, बनाना ट्री की लाइफ स्पैन लगभग 25 साल की होती है, 25 ईयर्स। काउ काउ की लाइफ स्पैन 20 से 25 साल की होती है। पैरोट की लाइफ स्पैन बहुत है, 140 ईयर्स, है ना। हॉर्स की लाइफ स्पैन लगभग 60 ईयर्स की ये भी होती है। फ्रूट फ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन भी आया है, 30 डेज की होती है इसकी लाइफ स्पैन। कितनी डेज की होती है, 30 डेज की होती है। राइस प्लांट की कोई बता सक, ठीक है कोई नहीं, राइस प्लांट का लगभग 3 से 4 मंथ की होती है, 3 to 4 मंथ्स की लाइफ स्पैन होती है। ठीक है, टॉर्टोइस की ईयर्स में होती है, वो 100 से 150 साल। बनाना बनियान ट्री सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन इसी की होती है, इसकी लाइफ स्पैन 250 से 300 साल की होती है। इवन दो बहुत सारे क्वेश्चंस अगर ऐसे भी आ जाए, इट कैन लीव अप टू 1000 ईयर्स ऑल्सो। ठीक है ना, बनियान ट्री की लाइफ स्पैन 1000 ईयर्स तक भी होती है। ठीक है, तो ये चीज को काफी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है, देखो सबकी लाइफ स्पैन लगभग ईयर्स में है, लेकिन कुछ कुछ की लाइफ स्पैन वीक्स में है ना, कुछ की लाइफ स्पैन मंथ्स में है, ओके, अब कुछ की लाइफ स्पैन डेज में है। तो ये जो डेज, वीक्स एंड मंथ्स, ये थोड़ा ध्यान रखना, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, वीवीआई फिगर है ये बिल्कुल, है ना, ये जो लाइफ स्पैन वाली फिगर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग सब समझ रहे होंगे काफी अच्छे से। चलो मैं पूरा जूम करके ही पढ़ा रहा हूँ, नो वरी नो इश्यूज, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग आगे की लाइन। यहाँ पे एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है, इजंट इट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिगिंग टू नोट दैट इट मे बी शॉर्ट एज अ फ्यू डेज और एज लॉन्ग एज और एज लॉन्ग एज फ्यू डेज और एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर्स। बात तो सही है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है नोट करने के लिए ना, कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन बहुत कम है और किसी किसी की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है। अब जैसे कि आप बिल्कुल एग्जाम्पल भी देख चुके होंगे, है ना, कि कैसे राइस प्लांट की लाइफ स्पैन कितनी थी, 3 से 4 महीने होती है ना। वही रोज प्लांट देखो, रोज रोज की लाइफ स्पैन कितनी है, 5 से 7 साल है ना, तो कितना डिफरेंस है, मतलब या बनियान ट्री की देखो 1000 ईयर्स तक चली जाती है। तो किसी किसी की लाइफ स्पैन कुछ दिनों के लिए, आप जैसे फ्रूट फ्लाई 30 दिन के लिए जीता है ना, बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ते जीता है। तो ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलो ये जो दोनों एक्सट्रीमिटीज है, बिटवीन दोज टू एक्सट्रीमिटीज आर द लाइफ स्पैन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब ये तो देख लिए दोनों एक्सट्रीमिटीज के बीच में, है ना, कि शॉर्ट और लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज के बीच में लाइफ स्पैन होती है और हर ऑर्गेनिज्म की। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, देखो ये इम्पोर्टेंट है, नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस, है ना। जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन है, हम लोग उनके साइज से उनको कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे तुम देखोगे कौआ, है ना, और तोता, दोनों की साइज क्या है, लगभग सिमिलर है, लगभग सिमिलर है। कौआ तोता दोनों क्या है, लगभग दोनों की लाइफ स्पैन क्या है, सिमिलर है। बट
क्या उनकी लाइफ स्पैन सेम है? नहीं है। क्या है उनकी लाइफ स्पैन? कौवा की लाइफ स्पैन कितनी मैंने हम लोगों ने देखी थी, कौवा की लाइफ स्पैन 15 साल होती है ना। और वही पैरोट की लाइफ स्पैन हम लोगों ने कितनी देखी थी, 140 ईयर्स होती है, 140 ईयर्स। तो देखो कितना डिफरेंस है ना, 125 साल का डिफरेंस है। सोचो कौवा जो है 15 साल ही जीता, पैरोट 140 साल में खत्म हो जाता। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये लाइन एक्चुअली सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन उठा के दे सकता है कि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। यहाँ पे वो क्या करेगा, नॉट जो वर्ड है ना इसको हटा देगा और तुमको सेंटेंस पुट कर देगा। अगर तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो तुम फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंसेस नहीं पता कर पाओगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आगे का लाइन देखो, द साइजेस ऑफ क्रोज, हाँ ठीक है, आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन्स शो अ वाइड डिफरेंस। मतलब लाइफ स्पैन में तो बहुत डिफरेंस दिखा। उसी तरीके से बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है, सिमिलरली उसी तरीके से जो मैंगो ट्री है ना, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटी होती है। ये ध्यान रखना, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, तुमको पता हो या नहीं हो कि पीपल ट्री की लाइफ स्पैन ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू मैंगो ट्री। ये कहीं पे मेंशन नहीं था एनसीईआरटी में, यहाँ पे ही लाइन ये मेंशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल सेंटेंस बेस्ड में बना के दे सकता है कि मैंगो ट्री की लाइफ स्पैन ज्यादा होती है कि पीपल ट्री की होती है। तो ये लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए कि मैंगो ट्री हैज मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू पीपल ट्री, ठीक है। चलो, लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म की कुछ भी हो, है ना, ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कुछ भी हो, व्हाटएवर बी द लाइफ स्पैन, लेकिन सारे इंसान को मरना तो है ही। डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी तो है ही, डेथ तो होने ही। एग्जैक्टली। सो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होता है कि जो इमॉर्टल है, है ना। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होता है जो इमॉर्टल हो। इमॉर्टल का कहने का मतलब क्या होता है, अमर, है ना, जो जिसको कभी मौत ही नहीं आए, जिसको कभी मृत्यु ही नहीं आए, ठीक है ना। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, ठीक है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये लाइन बिल्कुल दे सकता है, क्वेश्चन बना के दे सकता है ना। डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज अ सर्टेनिटी, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, या नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में डेथ नहीं होती, मतलब वो लोग अमर होते क्यों होते हैं। अगला लाइन यही जस्ट पूछ रहा है, देखो एनसीईआरटी में ये लाइन दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्यों ऐसा क्यों है। तो तुम सोचोगे, बहुत आसान है इसको समझना, बहुत आसान। देखो अब जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का सबको एक एग्जांपल जानता है, अमीबा, है ना जी, जानते हो ना सबको। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, सुने ही होगे, 11th में थोड़ा पढ़े ही होगे। तो अमीबा क्या हुआ, अभी ये क्या कैसे करता है अपना, मतलब ये मरता है, देखो ये क्या करता है, अपने आप को स्प्लिट कर देता है, फिर इसकी न्यूक्लियस बड़ी हो जाती है, फिर बड़ी हो जाने के बाद फिर क्या होती है कि ये लगभग डिवाइड पे चला आता है ना, इसकी न्यूक्लियस लगभग हल्का हल्का डिवाइड हो जाती है, और फिर फर्दर ये बाइनरी फ्यूजन में जा करके टूट जाता है ना। तो जब ये टूट जाता है तो इस लाइन का कहने का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ जी इसका मतलब, देखो ये तो अमीबा था, ये अमीबा क्या मरा, अमीबा कहीं पे मरा नहीं, मरा वो क्या हुआ, स्प्लिट कर गया। तो ये क्या था बाबू, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना, क्या है, सिंगल सेल्ड है ना, तो सिंगल सेल्ड, इसको कोई मौत आ रही है, नहीं आ रही, ये क्या कर रहा, अपना फर्दर रिप्रोडक्शन करता जा रहा। अब ये जो दो अमीबा निकला, अब फर्दर ये भी क्या काम करेगा, सेम वही काम करेगा जो ऊपर वाला काम किया, है ना, सेम अपर अबव वाला काम करेगा। तो तुमको बेसिकली सब बात समझ में आ रही होगी मेरी, ठीक है ना। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, कुछ आवाजें आ रही, हाँ ठीक है, ओके। तो ये लाइन भी समझ में आ गया। तो गिवन दिस रियलिटी हैव यू एवर वंडर्ड वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर 7000 ऑफ इयर्स। तो ये चीज की वजह से हम लोग जानते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल।
तो इस रियलिटी के वजह से हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हमारे अर्थ पे सेवरल थाउजेंड ऑफ इयर्स पहले आए भी, गए भी और अभी चलते आ रहे हैं। तो ये कैसे चलते आ रहे हैं, जो स्पीसीज आए थे कुछ खत्म भी हो गए और ये कैसे चलते जा रहे हैं? तो ये कुछ प्रोसेस होगा ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के, देयर सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, जिनके वजह से ये इंश्योर कर रहा है ये कंटिन्यूटी को, कि कंटिन्यू जो लाइफ स्पैन जो चल रही है, मतलब एक तो खत्म हुई तो फिर आगे कैसे नस्ल बढ़ रही है, जो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आए तो कैसे, क्या कंटिन्यूटी बता रहा है? वो बताता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के थ्रू ये कंटिन्यूटी मेंटेन है। क्या मेंटेन है? जो सेवरल थाउजेंड ऑफ इयर्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए हैं अर्थ पे, वो कैसे आप आगे अपना जनरेशन वाइज जनरेशन बढ़ा रहे हैं थ्रू द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। चल अब हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक लिविंग प्रोसेस है ना। क्या कैसा प्रोसेस है? लिविंग प्रोसेस है। इसमें होता क्या है बाबू, इस लिविंग प्रोसेस में होता क्या है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, है ना, सिमिलर टू इटसेल्फ। सो इसमें बेसिकली ऑर्गेनिजम्स मतलब हम लोग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग क्या देंगे, एक ऑफ स्प्रिंग देते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं हम लोगों के जैसा, बिल्कुल सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लिविंग प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे को, तुम माता पिता, अभी तुम लोग यंग वंस हो ना, तो तुमको कौन जन्म दिया, माता पिता जन्म दिए, तो सिंपल है ये लाइन, है ना। ऑफ स्प्रिंग जो अब वो बच्चे होते हैं, अब तुम लोग ही बच्चे हो अभी, तो अब लोग क्या ग्रो तो हो गए हो, प्यूबर्टी से ऊपर जा रहे हो, है ना, अब मैच्योर करोगे, शादी होगी, फिर उसके बाद फिर क्या है, इंटर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। अब तुम लोग क्या करोगे, एक नया ऑफ स्प्रिंग अपने से, अब तुम्हारे भी बच्चे होंगे। तो ये क्या है, ये क्या दर्शाता है कि दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ, वेरी इंपॉर्टेंट, और रिप्रोडक्शन इज अ साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ, मतलब ये एक साइकिल चली आती है कंटिन्यूअसली। किस चीज की? एक साइकिल है बर्थ की, पैदा भी हो रहे लोग, फिर ग्रो कर रहे हैं और फिर मर जाना है सबको। तो ये क्लियरली बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। तो ये किसकी वजह से ये सारा चीज इनेबल्ड हो रहा है, रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन ही के थ्रू ना जनरेशन टू जनरेशन हमारा स्पीसीज का कंटिन्यूटी बड़ा बना हुआ है, मतलब हमारी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है थ्रू द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सारे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के पढ़ो, इस तरीके से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाने वाला तुम्हें कोई बंदा नहीं मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है ना। जैसे अपन खुद भी तैयारी करते थे ना नीट की, तो बिल्कुल जिस तरीके से मैं खुद करता था वैसे तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कि तुम लोग से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटे। कल के डेट में तुम ये ना कहो कि सर ने एनसीईआरटी की ये लाइनें नहीं बताई थी, ये हवा हवा में एनसीईआरटी उड़ा दिया था। तुम लोगों को लग रहा होगा कि अभी मैं बहुत स्लो स्पीड पे पढ़ा रहा हूँ, मे बी सम स्टूडेंट एक्सपेक्ट दैट, बट इट इज नॉट स्लो, यू डेफिनेटली गोइंग टू बी कंप्लीटेड योर एनसीईआरटी विद इन 3 months, इट्स ओके। ओके, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी एनसीईआरटी को बुक को रंगते हुए खत्म कराना है, और बिल्कुल समझ समझ के, ठीक है। चल अब देखो लोग बढ़ते, और इसके चलो, इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, ईच ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इतना बड़ा डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार की, वेरियस काइंड, है ना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है जी, डाइवर्सिटी मीन्स, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स, है ना, डिफरेंट काइंड्स, भिन्न भिन्न प्रकार के, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, लार्ज डाइवर्सिटी, है ना, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की स्पीसीज है पूरे हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, और हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक मैकेनिज्म होता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने का, है ना, अपने आप को और ऑफस्प्रिंग देने का। अब एक बात कुछ सोचो ना, अब अमीबा ही था, देखो यहाँ पे अमीबा का ये दिखा रहा है ना, अमीबा ही था, तो देखो ना अमीबा कैसे हुआ था ग्रो, इसका एक अपना अलग ही मेथड है ग्रो करने का, है ना, इसका एक अलग ही मेथड है, अपना मैकेनिज्म है अपने बच्चे को पैदा करने का। उसी तरीके से हम लोग मेल्स हैं, हम लोग का अलग तरीका है, मतलब जानवर हैं तो उनके में अलग तरीका, बर्ड्स हैं उनके में अलग तरीका, सबका एक अपना अपना मैकेनिज्म होता है।
प्लांट्स हैं उसके में अलग तरीका है। तो इतनी बड़ी जो डाइवर्सिटी है सबका एक सबने अपना अपना मैकेनिज्म इवॉल्व किया है, उनके अंदर वो मैकेनिज्म आया है अपने आप को मल्टीप्लाई करने का और उनसे बच्चे पैदा करने का। चलो ठीक है तला सर, हेलो तला सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि सब चीज क्लियरली चल रहा है ना, अच्छे से कोई इशू नहीं ना। सही है, अभी म्यूट बच्चों को जो है माइक देंगे तो वो बताएंगे। हाँ ठीक है, अभी अभी नहीं, अभी नहीं, मैं बोलूंगा ना आपको तो आप बिल्कुल देंगे। ठीक है मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, जिनको जो कुछ भी अगर कंफ्यूजन है जो कुछ भी पूछना है। बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आज पढ़ाने में, काफी सुकून के साथ पढ़ा रहा हूँ। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट होती है, देखो यहाँ पे द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, उसके अंदर की फिजियोलॉजी और सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लिए उसके लिए कुछ फैक्टर्स होती है, जैसे कि दो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंटली लिखा हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे नीट में, बेसिकली लाइन को उठा के दे सकता है कि ये सेंटेंस सही है कि नहीं है। हाँ कि जो ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट होती है, मतलब ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, उसकी हैबिटेट कहाँ है, उसके अंदर की फिजियोलॉजी कैसी है, उसका बॉडी का किस तरीके का फंक्शन चल रहा है, और भी कुछ कुछ फैक्टर्स होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें होती है कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस तरीके से वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। चलो अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन देखेंगे, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू, है ना, अगर एक ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन हो रहा है रिप्रोडक्शन में या दो का हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसके वजह से ये दो टाइप का हो जाता है, रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो जाता है। बहुत सिंपल सिंपल है, बहुत आसान है ना। क्या है, जब ऑफ स्प्रिंग, जो बच्चा, व्हेन ऑफ स्प्रिंग, है ना, जब ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ और विदाउट, है ना। इसमें जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस टाइम में या तो गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। अब तुम लोग सोचोगे कि यार सर बताइए क्यों क्यों उसमें गैमेट का फॉर्मेशन क्यों, मतलब कैसे हो सकता है, वो तो सिंगल पेरेंट है। नहीं, कुछ जगह पे होता है, वो फर्दर केसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसकी तस्करा यहाँ पे करने से कोई फायदा नहीं होगा, वो बहुत लंबा चला जाएगा। तुम्हारे आगे एनसीईआरटी में वो लाइन दी हुई है कि किस तरीके से वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है एसेक्सुअल में भी, और ज्यादातर एसेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो ये बात तुमको क्लियर हो गया कि उस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, कि जिसमें ऑफ स्प्रिंग बच्चे पैदा हो रहे हैं सिर्फ सिंगल पेरेंट से। कैसे पैदा हो रहे हैं, सिंगल पेरेंट से, और ध्यान रखना है सिंगल पेरेंट, विथ और विदाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कि यहाँ ऐसा नहीं लिख दोगे नहीं 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 विदाउट, विथ तो हो नहीं सकता, विदाउट ही होगा, गैमेट फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं एसेक्सुअल। नहीं, गैमेट फॉर्मेशन भी होता है, इसलिए विथ को भी ध्यान में रखना है और विदाउट को भी ध्यान में रखना है। चलो अब देखो आगे, जब व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सिंपल है ना, है ना, क्या सिंपल है, मेल है ना, मेल है और क्या है, फीमेल है, तो मेल और फीमेल में क्या हुआ, क्रॉस मैच हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, तो क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। गैमेट क्या बनता है जी, ध्यान में है कुछ, क्या बनता है, नाम सुने होंगे, जाइगोट बनता है ना, 8th class 10th class सब में पढ़ा होगा। चलो तो क्लियर है, अपोजिट सेक्स मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। देखो क्लास बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो, है ना, बहुत स्लो मूड में मैंने बायोलॉजी शुरू किया है, और ये स्लो पन्ना मतलब पता नहीं तुम लोग किस तरीके के बच्चे हो, अभी मैं उतना जान नहीं रहा हूँ, तो मैंने इसलिए स्लो किया है अभी, स्लो से मतलब बिल्कुल लाइन टू लाइन प्रोसेस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे का शायद लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, बहुत स्लो का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, चलो कोई नहीं, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्प्लीट योर एनसीईआरटी विद इन 3 months और 3.5 months, इट इज इनफ फॉर यू। बट एनसीईआरटी ऐसी पढ़ो ना कि तुम्हें पूरी की याद रहेगी, है ना,
ऐसा नहीं पढ़ो कि हाँ पढ़ लिया अब तो मैं भूल गया। चलो हम यहाँ पे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। इन दिस मेथड सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट रहते हैं कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। क्लियर है ना, क्या है जी, सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब एज अ रिजल्ट जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है ना, कैसे है, द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे होते हैं, है ना, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बच्चे बिल्कुल सिर्फ आइडेंटिकल ही नहीं होते, मतलब एक दूसरे की तरह नहीं दिखते। जैसे कि हम लोग इंसान हैं तो हमारे बच्चे इंसान ही दिखेंगे ना, ठीक है, होते हैं तो हम आइडेंटिकल, मतलब हाँ ठीक है दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ आइडेंटिकली, मतलब हाँ इंसान का बच्चा है तो इंसान ही दिख रहा, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज है, ऐसा तो नहीं ना होता हम लोगों में कि मम्मी पापा उसके वजह से, मतलब जब बच्चे पैदा हुए मम्मी पापा के थ्रू, हम आप लोग जब आए इस दुनिया पे तो आप लोग की शक्ल बिल्कुल मम्मी पापा से मिलती है क्या, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है, जैसे पापा की शक्ल है उसी मम्मी की, नहीं ना, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ना, उसमें बीच में कॉम्बिनेट होकर के ना बनाया और पूरा पूरा बॉडी कैसे कि तुम्हारा कॉम्बिनेट बन रहा है ना। लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है, बिल्कुल फोटोकॉपी है ना। अब जैसे कि यही पेज है, इसकी फोटोकॉपी तुम लोग है ना, तो बिल्कुल यही चीज लिखी हुई आएगी। तो सेम टू सेम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, देखो ना खुद तुम देखो, यहाँ पे ये जो अमीबा है, ये जो अमीबा है यहाँ पे है ना, ये जो अमीबा है ये क्या बना रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी बना रहा है ना, है ना, फोटोकॉपी बना रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसी इसकी शक्ल जैसे उसी इसकी शक्ल, कोई डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसमें क्या है कि बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। ठीक है, तो आर दिस ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट, क्या है जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे या डिफरेंट होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे ना। क्या है ये लाइन जो क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी, आर दिस ऑफस्प्रिंग आर लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, यस दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, इसमें आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। देखो यार, अब क्लोन, क्लोन तो समझते होगे, क्लोन दम बिल्कुल फोटोकॉपी, बिल्कुल फोटोकॉपी, क्लोन का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल फोटोकॉपी बना देना, क्लोन बनाते हो ना व्हाट्सएप, आजकल डेट में ना व्हाट्सएप की क्लोन ऐप आती है ना, क्लोन बना लो व्हाट्सएप क्लोन, तो बिल्कुल व्हाट्सएप ही जैसी होती है ना, कोई डिफरेंस तो होती नहीं है, बट वो ना प्राइवेट चैट के लिए लोग रखते हैं, अरे मैंने क्लोन बना लिया है, इस पे अलग नंबर से बना लूंगा, उस पे अलग नंबर से बना लूंगा, है तो वो सेम व्हाट्सएप ही ना, बिल्कुल क्लोन है। तो उसी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बिल्कुल क्लोन बनते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं बिल्कुल क्लोन, तो इसमें ही ये टर्म आता है, क्लोन टर्म किसमें आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसको डिनोट किया था, क्यों, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली का मतलब दिखने में, फिजिकली जैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली तुम्हारी शक्ल कैसी दिखती है, मॉर्फोलॉजिकली मतलब तुम बिल्कुल, मतलब अमीबा किस तरीके का था, अमीबा की तरह दिख रहा है, और जेनेटिकली अंदरूनी, जेनेटिकली उनके अंदर जीन्स जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये लाइन भी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा ये फिगर में मैं बाद में आऊंगा, बट अभी जो नीचे की लाइन है उससे वो फिगर समझाया हुआ। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखते हैं कि कितना वाइड स्प्रेड हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के बीच में। चलो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके बीच में कॉमन होता है, ध्यान रखना है यार ये सब लाइन को, इज कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। पांच बार एनसीईआरटी की लाइन को रिपीट कर रहा है, तो एनसीईआरटी तो इतना पागल तो नहीं कि रिपीट कर रहा, क्यों तुम लोग को ये बात ध्यान में रखनी है, क्यों, देखो नीट की क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्यों फ्रेम्ड होती है, तुम लोग का ना प्रेजेंस ऑफ माइंड देखता है कि माइंड का प्रेजेंस क्या है, तुमने एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ी है। ठीक है, चलो तो कॉमन होती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, जो प्लांट में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, विथ रिलेटेड सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। देखो बहुत सारे प्लांट भी सिंगल सेल्ड होते हैं, है ना, बहुत सारे प्लांट मतलब सिंगल मतलब उनके अंदर में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बहुत सारे एनिमल्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है, मतलब उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में
वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन से, मतलब वो मल्टीसेलुलर नहीं हो पाते, मतलब वो उनके में सीधा समझो कि तुम एक बात ध्यान रखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में तो होता ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, वो सारी चीजें अभी आगे पढ़ते चले जाओगे, क्योंकि मैं उतना डीप में अभी इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बीच में हौच पौच नहीं हो जाए, अब इसलिए मैं बिल्कुल थ्रू द एनसीईआरटी चल रहा हूँ, तो बिल्कुल इसको बैलेंस करते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो कॉमन होती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, ये तो बात समझ में आ गई, वो सबसे ज्यादा कॉमन किस में होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होती है। प्लांट और एनिमल्स में भी होती है जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऐसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई सिंपल, उसमें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉडी से हो, आप जैसे कि तुम सोचोगे कि बनाना ट्री में ये वो, नहीं, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके में सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और कुछ एनिमल्स में भी आ जाते हैं जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। चलो अब हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा एंड मोनेरन्स, द ऑर्गेनिज्म और द पैरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। किसी को पता है माइटोसिस और मियोसिस का मतलब क्या होता है? पता है? पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, छोड़ो मैं बता देता हूँ। देखो माइटोसिस, माइटोसिस है ना, और मियोसिस, ये बहुत बचपन से सुनते रह रहे होगे, इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब होता है माइटोसिस का इक्वेशनल डिवीजन, है ना, इक्वेशनल डिवीजन। अब मियोसिस है, मियोसिस का मतलब क्या होता है बाबू? मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, है ना, रिडक्शनल डिवीजन। अब बाबू देखो मियोसिस का मतलब इक्वेशनल डिवीजन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ, इसको 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 मतलब ये हुआ, वेट 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 ओ, वेट हेलो गाइस, सॉरी इंटरप्शन के लिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन। वेट मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं। चलो गाइस, तो मैं यहाँ पे था, मियोसिस का मतलब मैंने बताया था रिडक्शनल डिवीजन, और माइटोसिस का मतलब बताया था इक्वेशनल डिवीजन। तो इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ? देखो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तुम लोगों ने सुना होगा। तो देखो इसमें क्या है, इक्वेशनल डिवीजन में बॉडी में ये 46 है, तो 46 ही जाएगा यहाँ पे, है ना। माइटोसिस का मतलब ये हुआ कि जो है ना ये बिल्कुल इक्वेशनल, मतलब बराबर बराबर इक्वल वे में ही डिवाइड करेगा ये, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम है तो ये 23 में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, तुम रिडक्शन रिड्यूस करके, है ना, 46 है तो ये रिड्यूस करके 23 में चला गया। बट इक्वेशनल डिवीजन में क्या होता है, 46 है तो 46 46 में चला, ठीक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तलहा सर जी सब सही से चल रहा है ना, कोई इशू नहीं ना? नहीं तो अब वो जो है सबने हैंड रेस कर रखा है, कुछ नए लोग फिर से हैंड रेस करें जिनको कुछ पूछना है तो। अच्छा, हैंड रेज रखे रहा है, तो आप किसी अच्छे बच्चे को मतलब अनम्यूट कराइए जिन्होंने हैंड रेज रखा है। अनस अनस बोले जल्दी जल्दी बात करें अपनी।
सर आपकी आवाज ना सर मतलब भर रही है सर, बराबर आ नहीं रही आपकी आवाज। बाकी लोगों को तो सही सुनाई पड़ रहा है ना, बाकी लोग मैसेज बात नहीं प्रॉब्लम आती तो सब बताते हैं ना, आपका नेटवर्क इश्यू होगा। और कोई सर दूसरे को म्यूट अनम्यूट करें जो बच्चा पूछना चाह रहे हैं, और कोई हैंड रेज करें। ज्यादा सर ये हाँ जो इस हेलो सर बोलिए। जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वुमेन्स विंग्स में भी होता है, मतलब किसमें? जो मानव मनुष्य जो होते हैं उनमें भी होता नहीं है प्लांट्स वगैरह में एनिमल्स। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कितना अच्छे से तो सारा चीज क्लैरिफाई किया हुआ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्ड में। आप सिंगल सेल्ड हो? नहीं ना, आप तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है ना। तो प्लांट और आपकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है? नहीं है। आपकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि आप में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। आप तो लिविंग हो ना, तो आप में कितना आप में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट होगा। देयर इज नो एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक है, और सर ये क्लियर हो? एक गेमेटा रिप्रोडक्शन बताया था सर, वो आपने वो क्या होता है क्या क्या क्या? गेमेटा करके जो था सर रिप्रोडक्शन। हाँ, मैंने बताया था यहाँ पे कि ये बताया था कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता भी है और नहीं भी होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन बेसिकली नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता ही होता है। ठीक है ना? तो क्या होता है ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि समझ में आ गया ना? हाँ जी हाँ ओके। और किसी को प्रॉब्लम है, डाउट है तो अनम्यूट कर दे सर। हाँ, और भी लोग हैं, मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद आतिफ पूछिए। सर हो गया, डाउट क्लियर हो गया। अभी अभी जो अच्छा इन्होंने अच्छा पूछा था। ओके डाउट। हाँ जी, नेक्स्ट चलो एक क्यों। ओके, और जो किसी को कोई है डाउट? चलो मैं नसीमा फर्दर। खातून, नसीमा खातून का अनम्यूट कर लीजिए। और किसी को सर मुझे माइटोसिस और मियोसिस समझा दे दोबारा। अच्छा फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत आसान है। देखो लाइटली मतलब सुनो अभी मेरा बात ध्यान से। ठीक है, माइटोसिस का मतलब क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। ई से क्या होता है? इक्वल, बराबर। रिडक्शन, रिड्यूस है ना। रिड्यूस का मतलब खत्म हो जाना, माइनस हो जाना। ठीक है, तो अब जैसे कि क्रोमोसोम्स होता है ना, बेसिकली एक मतलब समझो हम लोग 46 क्रोमोसोम्स के बने हो ना, तो 46 क्रोमोसोम्स में इक्वेशनल डिवीजन में ना वो 46 46 ही में ट्रांसफर होता है, तो उसको माइटोसिस कहते हैं। मतलब इक्वल, बराबर ही में जी ट्रांसफर हो जाता है। अब मियोसिस में क्या होता है? रिड्यूस्ड हो रहा है ना, माइनस हो जा मतलब रिड्यूस कर जा रहा है। तो ये जो 46 क्रोमोसोम्स है ना, ये जाकर करके 23 23 में बनते हैं। ये बेसिकली जब इंसान क्वाइटस करता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब जाइगोट बनता है, तो उसमें मेल से भी 23 आते हैं और फीमेल से भी 23 आते हैं, तो ये गैमेट बनता है। ठीक है ना? तो ये मियोसिस हम लोग के गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में भी होता है। तो ये बात ध्यान में रखना, बस अभी ये चीज समझ लो कि मियोसिस का मतलब क्या होता है। बहुत बच्चे को तो आज तक ही नहीं पता होता है कि मियोसिस माइटोसिस होता क्या है। तो तुम्हें ये आज जिंदगी भर याद रहेगा कि मियोसिस का मतलब सर ने बताया था रिडक्शनल डिवीजन, रिड्यूस कर देना। 46 क्रोमोसोम में वो हाफ हाफ में टूट जाएंगे, 23 23 के पेयर में चले जाएंगे। माइटोसिस क्या? इक्वेशनल डिवीजन। अब 46 क्रोमोसोम में तो वो 46 46 में ही जाएंगे। ठीक है ना? इक्वल है, इसे इक्वल इक्वेशनल, इसे इक्वल। ओके ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम। कायनात फातिमा, कायनात फातिमा अब अनम्यूट कीजिए। कायनात जल्दी जल्दी बोलो जिसको प्रॉब्लम है। कोई नहीं, लगता शी इज नॉट ऑनलाइन। सर सबको म्यूट कर दीजिए, ठीक है साहब। सबको म्यूट कर दीजिए। फिर बीच में बाकी लास्ट टाइम मैंने कुछ। लोग जो है मैसेज में जो है अपना वो सर करें। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जैसे आपने ये बताया कि असेक्सुअल में विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट है सर, ये वाली लाइन हाँ ऊपर, जी हाँ तो जी सर हाँ हाँ इसमें बोलो मुझे ना। थोड़ा ये डाउट हो रहा है कि अगर सिंगल पेरेंट है तो सर उसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है। होता है, होता है, कुछ एक्सेप्शनल भी आते हैं बाबू, वो बिल्कुल आगे आप पढ़ो। ठीक है ना? ओके सर ओके ओके, टेंशन लेने का थैंक नहीं है, यू अभी बस इंट्रोडक्शन हुआ है। तो ये चीज बिल्कुल होता है, ठीक
ठीक है ना, इसीलिए मैंने ये लाइन को चार बार बोला, इसलिए बोला क्योंकि ये बार बार नीट में ये लाइन उठा के दे दिया जाएगा सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है, तो ये तुम लोग मत मार देना कि अरे ये सब खोले एक पेरेंट है, गैमेट का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं, मैक्सिमम में नहीं होता है लेकिन कुछ में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता ही है, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शन है इसमें, तो ये लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है, दोनों को ध्यान में रखना है। ओके चलो सर आप सबको म्यूट कर दीजिए, फर्दर डाउट एक लास्ट सेशन अब आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद कैफ का ले लीजिए, बोलो। अच्छा अच्छा कैफ अनम्यूट करके बोलिए। हेलो सर। हाँ जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो फोर्थ लाइन है, द टर्म क्लोन इज यूज्ड डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलरिटी। बोलो बोलो बोलो, जो टर्म क्लोन इज यूज्ड टू, हां जी लाइन समझ में नहीं है तुम्हें, क्लोन का मत आज मैं बता रहा हूँ, आप चुप हो जाओ। क्लोन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फोटोकॉपी है ना, क्लोन व्हाट्सएप पे ऐप बनाते हो ना, ऐप है तो एक क्लोन ऐप भी बनता है ना, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह कि सेम व्हाट्सएप उस पर अलग नंबर से लॉगिन कर लेते हैं, उसी तरीके से क्लोन का मतलब वही होता है, बिल्कुल फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी किसमें होती है, क्लोन किसमें बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, क्योंकि जो इनके बच्चे पैदा होते हैं वो दिखते भी बिल्कुल सेम टू सेम माँ बाप के ही जैसे, मतलब दम जैसा, देखो यहाँ पे अमीबा कैसा दिख रहा है, मैंने बताया ना यहाँ पे अमीबा दिख रहा है ना, इससे नीचे में अमीबा देखो बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है ना, बिल्कुल फोटोकॉपी आ रहे हैं, तो ये क्या एक क्लोन ही बन रहा है ना, तो वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में भी और जेनेटिकली अंदर से भी, जीन भी और मॉर्फो भी दोनों तरफ से वो सिमिलर होते हैं। क्लियर जी सर। ओके सर, आपको ये ठीक है तो सर सबको म्यूट कर दीजिए। ठीक है ठीक है। ओके सर, सो हम लोग फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। चलो देखो, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, ये सब तो बता दिया, ठीक है। चलो, प्रोटिस्टा होता है, नाम तो सुना ही होगा, यूनिसेलुलर कुछ पहले चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा प्रोटिस्टा के बारे में, और मोनेरा है ना, ये भी पढ़ा होगा लिविंग वर्ल्ड में, बोल रहा हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लास 11th की है ना, क्लास 11th की में ये दोनों चीज इनके बारे में नाम सुना होगा तुम लोगों ने, प्रोटिस्ट एंड मोनेरंस के बारे में। ये जो दोनों होते हैं प्रोटिस्टा एंड मोनेरा है ना, प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटिस्टा मोनेरा और द ऑर्गेनिज्म और द पैरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। ये प्रोटिस्टा और मोनेरा में क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो पैरेंट होते हैं, जो प्रोटिस्टा या मोनेरंस में जो इनके पैरेंट हैं, ये पैरेंट हैं है ना, तो इनका जो सेल डिवाइड करता है वो किससे डिवाइड करता है, माइटोसिस मेथड से, माइटोसिस से टू गिव राइज टू टू न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। तो इसमें दो इंडिविजुअल्स तो आ गए है ना, दो न्यू इंडिविजुअल लगा, अभी ये जो पैरेंट सेल है ना, ये पैरेंट सेल है, देखो ये पैरेंट सेल है, अब ये पैरेंट सेल फर्दर किस में डिवाइड हो गया, दो में डिवाइड हो गया, तो दोनों बच्चे क्या हुए, इनके ऑफस्प्रिंग है। तो ये कैसा डिवाइड हुआ, बिल्कुल माइटोटिकली, तो बिल्कुल ये फोटोकॉपी आएंगे, फोटोकॉपी, फोटोकॉपी का मतलब बिल्कुल पेरेंट्स ही के जैसा दिखेंगे, बिल्कुल सेम एज पेरेंट्स, रिजेम्बलिंग मतलब बिल्कुल फोटोकॉपी है, ये फोटोकॉपी बना इनका है ना, बिल्कुल फोटोकॉपी बना। तो ये दोनों क्या है, इनके बच्चे हैं, ये क्या है दोनों, ऑफस्प्रिंग है, लेकिन ये दोनों कैसे ऑफस्प्रिंग है, माइटोसिस से डिवाइड किए, तो माइटोसिस का मतलब मैंने बताया ना, इक्वल डिविजन, मतलब मदर फादर में 46, मतलब पेरेंट्स यहाँ पे जो इनका सिंगल पेरेंट था, इनके में 46 था, तो इनके पास भी कितना आया, 46 ही आया, समझ में आ गया, तो ये क्लियर हो गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक लाइन आती है, क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये लाइन लिख लो, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन divides mitotically, ये लाइन नीट में आ चुका है ऑलरेडी, mitotically asexual reproduction में ज्यादातर जो divisions होती है, मतलब जो मतलब सिंगल पेरेंट जो offspring देते हैं वो किस मेथड के थ्रू देते हैं, mitosis से देते हैं, कौन से मेथड के थ्रू देते हैं, mitosis से देते हैं,
ठीक है ना, माइटोसिस का मतलब मैंने बहुत अच्छे से समझा चुकी है सबको, है ना, बता दिया ना। चलो अब हम लोग फर्दर यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, दस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिविजन इनटू इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस अब ये लाइन क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये लाइन बोल क्या रहा था, दस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिविजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या था कि पेरेंट था, है ना, पेरेंट जो था, पेरेंट था तो पेरेंट में न्यूक्लियस होगी सेल, तो इनका क्या हुआ, सेल डिवाइड हो गया ना, सेल क्या हुआ, डिवाइड हो गया, तो ये ऑफस्प्रिंग बन गया, है ना। तो बेसिकली इनका एक मेथड क्या रहा रिप्रोडक्शन का, सेल डिवीजन ही रहा, है ना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या रहा इनका, सेल डिवीजन रहा, तो ये बात ध्यान रखना। चलो अब हम लोग यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स भी मिलेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रख लो कि हाँ देखो ये जो फिगर है, फिगर मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये जो फिगर था ये किस चीज का, क्या हो रहा है, ये फिगर नंबर ए है, है ना, ए है, ए में क्या हो रहा है, बडिंग हो रहा है, ईस्ट है, ये ईस्ट का पैरेंट सेल है, ईस्ट क्या है, एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सबको पता ही है ईस्ट क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नहीं पता है तो लिखो ध्यान से याद रखना, ईस्ट क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ऑलरेडी यार एसेक्सुअल पढ़ रहे हो तो सिंगल ही सेल्ड है ना, सिंगल सेल्ड है, तो इसमें रिप्रोडक्शन किस मेथड से होती है, रिप्रोडक्शन जो होती है वो क्या है, एसेक्सुअल मोड है, एसेक्सुअल है। अब एसेक्सुअल में भी कौन सा मोड से होती है, ये बर्डिंग के थ्रू होती है, ओके सो बच्चे यहाँ पे आप तुम लोग समझ गए होगे अच्छे से कि ईस्ट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बर्ड्स निकल रहे हैं, निकल रहे हैं ना बर्ड्स, अब ये बर्ड्स ग्रो हो गए, फिर ये बर्ड बड़े हो गए, अब ये बर्ड क्या होगा, डिटैच होकर करके एक नया ईस्ट बना देगा, क्या हो जाएगा, नया ईस्ट बन जाएगा, क्लियर, तो ये क्लियर होगा तुम लोगों का। और उसी तरीके से जो अमीबा हो रहा है, तो अमीबा में भी देखो ना दोनों में सेल डिवीजन ही हो रहा है, लेकिन सेल डिवीजन में भी इनका एक स्पेसिफिक नेम है रिप्रोडक्शन में, तो सेल डिवीजन जो ईस्ट में हो रहा है उस सेल डिवीजन का नाम क्या है, यहाँ पे बर्डिंग है। और उसी तरीके से जो सेल डिवाइड अमीबा में कर रहा है, यहाँ पे अमीबा में देखो यहाँ पे जो कर रहा था, जो अमीबा में कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल डिवाइड होकर कर करके दो अमीबा में बन गया, लेकिन तो इसके इसका नाम क्या है, बाइनरी फिजन है, क्या है, बाइनरी फिजन होता है, अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। तो बाबू तुम लोग को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग फर्दर आगे मूव, ये वाला आज लगभग एक सेकेंड वेट, कोशिश तो करते हैं कि मैं ये पैराग्राफ आज खत्म कर देता हूँ अभी फिलहाल। चलो, बहुत सारे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, ज्यादातर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मेनी ध्यान रखना, बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म किससे रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, बाइनरी फिजन से, देखा ये अमीबा हो गया, इसमें क्या होता है, वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, एग्जांपल अमीबा और पारामिशिया। तो चलो एक बात यहाँ पे तुम लोग को बहुत ध्यान से देखने को पता चला, शायद अब तक तो जानते होगे कि बाइनरी फिजन सिर्फ अमीबा में ही होता है क्या, नहीं, पारामिशियम में भी होता है, पारामिशियम भी क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एसेक्सुअल की बात पढ़ा रहा हूँ यार मैं, पढ़ाई तब तो एसेक्सुअल है तो भाई सिंगल सेल्ड है, ये तो बात एकदम भेजे में मतलब याद हो जानी चाहिए माइंड में, बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में चली जानी चाहिए कि हाँ सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड, है ना। तो चलो, तो मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हो गए, बहुत सारे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन से। इसमें होता क्या है, सेल जो होता है डिवाइड्स कर गया दो हाफ में, है ना, न्यूक्लियस पड़ा होता है फिर डिवाइड कर जाता है दो हाफ में, है ना, यही होता है ना जी, तो डिवाइड कर गया और वो फिर ये क्या करेंगे, फिर बड़े हो जाएंगे, है ना, फिर ये क्या करेंगे, अपना साइकिल बनाएंगे, फिर ये फिर इनमें भी सेम यही वाली चेन चलेगी, है ना, और ये भी फिर अपना बाइनरी फिजन के थ्रू अपना ऑफस्प्रिंग देंगे, ठीक है। चलो, तो ये चीज चलो ध्यान में हो गया, सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, ठीक है। अब आगे वाला लाइन देखो, आगे वाला लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ईस्ट में जो होती है जो डिवीजन होती है ना अनइक्वल होती है। तो बोलोगे सर ये क्या है, ये बिल्कुल बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन दे सकता है तुमको नीट में,
कि जो इनकी डिवीजन हो रही थी ईस्ट में, ये डिवीजन में देख रहे हो जितना बड़ा खुद ईस्ट है उतना बड़ा निकल रहा है, नहीं ये थोड़ी अनइक्वल डिवीजन होती है इनके में। देखो क्या लिख रहा है आगे का नहीं, देखो डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म सेल्स। तो होता क्या है इसमें कि इनके में डिवीजन अनइक्वल है, मतलब कि इक्वली तुरंत दोनों पार्ट में नहीं डिवाइड कर जा रहे। क्या होता है बर्ड्स निकलता है ना, बर्ड्स निकला, बर्ड्स देखो बर्ड्स निकला, बर्ड्स निकला तो बर्ड्स इनिशियल स्टेज में इनके में बर्ड्स अभी ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट है। अब ये बर्ड्स और बड़ा हो गया थोड़ा, ठीक है ना। तो अब जब ये फाइनली लास्ट जब बड़े हो जाते, मतलब देखो ये अब बन तो गए हैं बर्ड्स, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में वो ज्वाइन रहते हैं, अपना न्यूट्रिशन पेरेंट सेल से ही लेते रहते हैं। लेकिन अमीबा के केस में देख रहे थे ऐसा कुछ था नहीं, दोनों बड़ा हुआ फट से अलग हो गया, यहाँ पे तुरंत नहीं हुआ, यहाँ पे अभी बर्ड बन भी गए तो भी ये अपने पेरेंट्स से अटैच्ड हैं इनिशियल स्टेज में, है ना। तो फिर उसके बाद ये डिटैच करते हैं विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू स्ट्रोनियम, जब बड़ा और बड़ा होने लगता है तब वो जाकर कर करके सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। बट अमीबा के केस में ऐसा नहीं हुआ था, बस बस वो फटाफट क्या किया देखो, वो फटाफट बड़ा अमीबा बड़ा हुआ ये हुआ, अब उसकी जब ऑफिस बन गए फाइनली ये दोनों डॉक्टर सेल्स को अलग कर दिया। बट बर्ड्स के केस में ऐसा नहीं हुआ, जब तक ये बहुत बड़ा नहीं हो जाए ये पैरेंट सेल कितना, तब तक ये बॉडी को इसको छोड़ेगा नहीं, इसीलिए इसमें डिवीजन जो है बिल्कुल दिख रही है, नहीं रहे दोनों बराबर है नहीं है ना जी, ये दोनों बराबर है नहीं है, ये ऑफिस क्या है छोटा है ना, ये देखो बड़ा है अभी पैरेंट सेल, तो क्या है ना दोनों बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसमें डिवीजन किस तरीके एक एक बात ना बहुत गहराई से समझा रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता किसी को डाउट होना भी चाहिए, होप सो, बट कुछ नहीं कोई नहीं, डाउट जो भी हो बिल्कुल पूछो। चलो अब होता है क्या है, एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे जो लाइन देखो आगे की एनसीईआरटी की, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशन फेवर नहीं हो, मैंने एक लाइन पढ़ाया था ऊपर में एनसीईआरटी के, है ना, ये लाइन पढ़ाया था, तुम लोग को ध्यान होना चाहिए, जो को दिखा रहा हूं, है ना। देखो ये लाइन मैंने पढ़ाया था, ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, है ना, तो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, वो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है ना ये रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो उसी तरीके से अगर अमीबा का जो कंडीशन जहां पे वो रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन वो ऐसा कंडीशन नहीं मिला, अनफेवरेबल मिला, मतलब उसके मन मुताबिक का हैबिटेट नहीं मिला, है ना, तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा क्या करता है, अमीबा विड्रॉज इट्स स्यूटोपोडिया एंड सिक्रीट अ थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। अब बहुत ध्यान से रखने वाला बात है, क्या होता है कि जब अमीबा जब बेसिकली स्यूटोपोडिया लोकोमोशन के लिए यूज करता है अमीबा, जो अमीबा होता है ना, देखो जो अमीबा है इसके पास स्यूटोपोडिया कुछ होता है, ठीक है ना, जो स्यूडोपोडिया की मदद से खाना को इनगल्फ करता है, न्यूट्रिशन लेता है इससे, इनगल्फ करता है ना, इनगल्फ ना, देखो स्यूडोपोडिया ये, ठीक है, ये जो स्यूडोपोडिया है अमीबा के पास, स्यूडोपोडिया जो होता है ये मदद करता है, स्यूडोपोडिया मदद करता है इनगल्फ करने, इनगल्फिंग न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन मतलब खाना खाने में इनगल्फ, समझो कि इसका हाथ पैर है, ठीक है ना, स्यूडोपोडिया क्या है अमीबा का हाथ पैर है, और फिर क्या करता है इसी से ये लोकोमोशन में भी मदद करता है, अपना लोकोमोशन में होता है इसमें थोड़ा बहुत स्लो लोकोमोशन होता है, ठीक है ना, अमीबा में बहुत स्लो। चलो तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब उनकी कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तो वो अमीबा क्या करता है अपना विदड्रॉ कर लेता है ना, बाहर निकाल लेता है उसकी स्यूडोपोडिया को, अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, बाहर निकाल लेता है, तो विड्रॉ कर लेता है जैसे, तो उसके में फिर उसमें विड्रॉ करके अंदर करने के बाद, विड्रॉ करने के बाद वो क्या करता है, एक तीन लेयर का हार्ड कवरिंग जनरेट करता है अपने बॉडी के ऊपर, है ना, अपने बॉडी के ऊपर क्या जनरेट करता है, तीन लेयर का हार्ड कवरिंग जनरेट करता है,
और इसी तीन लेयर हार्ड कवरिंग को क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सिस्ट बोलते हैं। थ्री लेयर हार्ड कवरिंग और सिस्ट, ये अमीबा सिक्रीट करता है, स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करने के बाद ये सिक्रीट करता है थ्री लेयर हार्ड कवरिंग सिस्ट अपने इर्द गिर्द, अपने अराउंड, अपने इर्द गिर्द ये सिक्रीट करता है। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, इंसिस्टेशन कहते हैं। ये कंडीशन कब आती है, इंसिस्टेशन की कंडीशन कब आती है, जब कंडीशन हमारी अनफेवरेबल होती है, मतलब अमीबा की कंडीशन अनफेवरेबल होती है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया, अपनी स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करता है और करता है तीन लेयर का हार्ड कवरिंग, है ना, जिसका नाम क्या है बाबू, सिस्ट भी नाम है, सिस्ट है, ठीक है ना, अपने इर्द गिर्द, ठीक है। तो इस फेनोमेना को इंसिस्टेशन भी कहते हैं। और जैसे अमीबा, जैसे उसका कंडीशन फेवरेबल आ गया, मान लो कि क्लाइमेट उलिमेट खराब था एंड उसका मतलब हैबिटेट उसके लायक नहीं था, अब वो अपने घर वापस आ गया, उसका उसके लायक अब जगह मिल गया, है ना, उसके लिए अब कंडीशन फेवरेबल हो गया, उसका फेवरेबल कंडीशन आ गया वापस से। तो जो ये इंसिस्टेड अमीबा था ना, मतलब अपने इर्द गिर्द सिस्ट बना लिया था, तो ये क्या कर जाता है, ये डिवाइड्स करता है बाय मल्टीपल फिजन। आप देखो ध्यान से, ठीक है ना, क्या होता है, ये बहुत ध्यान में रखना है कि जो इंसिस्टेड अमीबा होता बाबू, ये क्वेश्चन जब आएगा ना, अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर जाएंगे यहाँ पे। इंसिस्टेड अमीबा जो होता है उसमें कौन सा फिजन होता है बोलो जी, कौन सा फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, है ना, मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल फिजन होता है ये किस में होगा, ये इंसिस्टेड अमीबा में होता है। जब उनके जब कंडीशन खराब थी तो वो इंसिस्टेशन में चले गए, इंसिस्टेड जब कंडीशन उनकी अच्छी हो गई तो ये इंसिस्टेड अमीबा थी, अब अपने आप को मल्टीपल फिजन के थ्रू क्या करेगा, प्रोड्यूसेस मेनी माइन्यूट अमीबा, बहुत सारा अमीबा, बहुत छोटा 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 अमीबा निकालेगा बाय द हेल्प ऑफ बहुत सारा, ये दो में नहीं डिवाइड करेगा, बहुत सारे में, मेनी, है ना, मेनी, बहुत सारे में डिवाइड करेगा माइन्यूट, और स्यूडोपोडियो स्पोर्स, जो स्यूडोपोडिया है ना, जो स्यूडोपोडिया था उसमें से एक स्पोर्स टाइप का निकलेगा, तो जिसके वजह से माइन्यूट अमीबा को जो निकला, जो प्रोड्यूसेस मेन्यूट माइन्यूट अमीबा, उसको हम लोग स्यूडोपोडियो स्पोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, स्यूडोपोडियो स्पोर्स से मतलब वो निकलेगा, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, जो स्यूडोपोडियो स्पोर्स क्यों बोल रहे हैं, बात ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो सिस्ट वॉल जो था ना, जो सिस्ट बना लिया था, जैसे कि वो जो अमीबा था इसका फेवरेबल कंडीशन नहीं था, है ना, तो अपने इर्द गिर्द क्या बना लिया है जी, एक सेकेंड, अपने इर्द गिर्द ये क्या है, इसका सिस्ट बना लिया, है ना, ये क्या है, इसके ऊपर सिस्ट बन गया, ये सिस्ट बना हुआ है, ये सिस्ट किस टाइप का है, तीन लेयर हार्ड कवरिंग है, पता ही है ना, ये तीन लेयर हार्ड कवरिंग है, ठीक है। अब ये तीन लेयर हार्ड कवरिंग का सिस्ट बना लिया, जब कंडीशन फेवरेबल आया तो ये सिस्ट क्या हुआ, ये अमीबा मल्टीपल फिजन डिवाइड कर करके बहुत सारा माइन्यूट अमीबा देगा, छोटा छोटा अमीबा दे देगा, छोटा 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 ढेर सारा अमीबा देगा, है ना, कैसे ये ढेर सारा अमीबा आया। और इसी माइन्यूट अमीबा को हम लोग स्यूडोस्पोरियो पोर्स भी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या था ना, कि जो सिस्ट का जो वॉल था ना बाबू, ये वॉल क्या हुआ, ये वॉल फट गया, फट गया, ठीक है ना, जैसे फटा, जैसे ये वॉल फटा, है ना, फट गया ये वॉल, ठीक है, फट गया, जैसे ये वॉल फटा तो हुआ क्या, कि हुआ क्या, एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मेनी अमीबा। तो इसमें से स्पोर्स फटने के बाद बहुत सारे इसमें से स्पोर्स निकला, और ये स्पोर्स क्या था, स्यूडोपोडियो स्पोर्स था, स्यूडोपोडियो स्पोर्स था, जिससे ये जो छोटा छोटा क्या स्पोर्स निकला, तो ये स्पोर्स ही से क्या बन गया, बहुत सारा अमीबा बन गया, क्या बन गया, बहुत सारा अमीबा बन गया, क्लियर हो गया बाबू, है ना, बहुत सारा अमीबा बन गया। तो बेसिकली ये लाइन तो बहुत अच्छे से मैंने चार बार अब तक रिपीट कर दिया, कि जैसे अमीबा का फेवरेबल कंडीशन नहीं रहता है, फेवरेबल कंडीशन आता है, तो ये सिस्ट क्या होता है, फट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, और उसमें से बहुत छुटका निकलने लगेगा,
स्पोर्ट्स निकलेगा, क्या निकलेगा, स्पोर्ट्स निकलेगा, और ये स्पोर्ट्स कहाँ चला जाएगा, अब तो कंडीशन के सराउंडिंग से आ चुकी है ना, तो लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम, अब वो उनके सराउंडिंग मीडियम में आ गया, अब ये क्या होगा, ग्रो करेगा बहुत सारे अमीबा में, तो इस ये जो ग्रो कर रहा है स्पोर्ट्स के थ्रू है ना, तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, देखो एक चीज ध्यान रखना बहुत ध्यान से, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बन रहा था जी, इंसिस्टेशन हो रहा था, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आया तो क्या बन रहा है, स्पोरुलेशन बन रहा है ना, नोन एज स्पोरुलेशन। चलो आज इतना ही, तुम लोग ध्यान से देखो, कम से कम शायद मुझे ये फील हो अभी तुम लोगों के साथ कि तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मतलब मैंने जो आज तुम लोगों को दिया है पढ़ाने का तरीका, क्या मतलब इस चीज को किस तरीके से ले पा रहे हो, ठीक है ना। आज सच पूछो तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है इतना साइलेंट वे में पढ़ाने में, मतलब आई रियली नीड टू टीच यू गाइज ना, मैं तुम लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, बट यू ऑल गाइज इतना डिस्टर्बेंस होता है कि कहा ही नहीं जा सकता अब तो, बट ये प्राइवेसी लगने से कितना अच्छा फील हो रहा है मुझे तो बता नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये लाइन क्लियर हो गया, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है देख लीजिए। हाँ सर बिल्कुल, ओके चैट बॉक्स सभी आपके क्वेश्चंस मैसेज कर दिया करें, जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे फिर रिवाइज कर लेंगे, बॉस है प्लांट्स आइडेंटिकल, यस सर रिडक्शनल सब अलहमदुलिल्लाह अच्छा चल रहा है सर, ओके मुझे डाउट है सर मियोसिस एंड मियोसिस एक्सप्लेन कीजिए, मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया था सर, इस प्लांट सिंगल सेल्ड, अरे नहीं प्लांट सिंगल सेल्ड नहीं होता है, प्लांट मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है ना, सिंगल सेल्ड नहीं होता है, अरे जिनके में सिंपल बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, तुम लोग इलेवेंथ पढ़े नहीं हो, ठीक है ना, अब मैं मुझे वहां पे भी जाना पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसके आपके डाउट को क्लियर करता हूँ, एक बार इलेवेंथ की एनसीईआरटी ना आप थोड़ी जो प्लांट किंगडम वाली है उसको पढ़ो, ठीक है, कोई नहीं, मैं इलेवेंथ भी साथ में कोलाइट करके बताता हूँ तुम लोगों को, और इलेवेंथ भी मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। सर ये पूछना था कि सिर्फ एनसीईआरटी ट्वेल्थ ही 3 मंथ में कंप्लीट कराई गई, यार ये कैसा कैसा क्वेश्चन है, मैं पूरी नीट की पढ़ाई पढ़ाऊंगा ना 3 मंथ के अंदर, बिल्कुल दोनों खत्म होगी 3 मंथ के अंदर, 3 से 3.5 मंथ बहुत होता है, 100 दिन बहुत होता है एनसीईआरटी को खत्म करने के लिए। सभी आपने क्वेश्चंस मैसेज कर दिया करें, जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे फिर उन्हें रिवाइज करा दिया जाएगा, ओके ओके फाइन। सर ये पूछना था कि हो गया सर, ये लाइन समझ नहीं आया, विथड्रॉज इट स्यूडोपोडिया, अरे स्यूडोपोडिया को विथड्रॉ करता है अपना, निकालता है स्यूडोपोडिया उसको, मतलब जो स्यूडोपोडिया उसका क्या होता है, लोकोमोशन के लिए होता है, लेकिन जब वो अनफेवरेबल कंडीशन हो तो उसको अपना विड्रॉ कर लिया ना, अपने अंदर ये कर लिया, ठीक है ना, अपने अंदर ये स्यूडोपोडिया को अंदर ले लिया, उसके बाद वो क्या करता है, सिक्रीट करता है 3 लेयर का मेम्ब्रेन, क्या सिक्रीट करता है, 3 लेयर का मेम्ब्रेन, 3 लेयर स्ट्रक्चर सिक्रीट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। सर ये सिस्ट किस वजह से ब्लास्ट हो रहा है, सुनो इस टाइप की फालतू क्वेश्चन मत पूछना, दूसरा भी सैयद काशिफ, ये सिस्ट किस वजह से ब्लास्ट हो रहा है, मैंने क्या ही बोलूं कितना अच्छा, अरे सिस्ट क्यों ब्लास्ट हुआ उसका, देखो सिस्ट ब्लास्ट होने का कारण क्या है कि फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हुआ उसके में, है ना, फेवरेबल कंडीशन आ गया ना, सिस्ट बना, तो किस वजह से क्या, मतलब जब ऐसे फेवरेबल कंडीशन बना तो वो ब्लास्ट होना शुरू हो गया, फेवरेबल कंडीशन हुआ ना तो अब वो ब्लास्ट होकर करके अब उसमें स्पोर्स बढ़ चुका था, अब फेवरेबल कंडीशन आ गया तो उसमें वो ब्लास्ट होकर करके ये फर्दर मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू बहुत सारा माइन्यूट ये बनाया। सर अगर 2 से ज्यादा पार्ट्स में फ्यूजन होगा तो क्रोमोसोम का डिवीजन कैसा होगा, देखो बाबू होता क्या है कशफा, एक सेकंड चैट बॉक्स में दिया, हाँ देखो क्रोमोसोम का डिवीजन कैसा होगा, देखो माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस का मतलब क्या होता है, देखो क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड करता है, अरे क्यों इक्वल डिवाइड कर रहा है, उसमें कोई गैमेट नहीं बन रहे थे, ठीक है ना, गैमेट नहीं बन रहे तो वो बिल्कुल फोटोकॉपी जा रही है, तो 46 है तो पूरी की पूरी 46 ट्रांसफर हो जा रही है, ठीक है ना, 46 है तो बिल्कुल 46 की 46 ट्रांसफर होती है, तो माइटोसिस में होती है, माइटोसिस क्या है, ये इसका
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में मियोसिस होता है, उसमें क्या आती है कि मेल से भी 46 आ रही है, फीमेल से तो एक जायगोट बन जाता है, तो अब मेल से क्या आ रहा है 23 आया, 23 आया, तो मतलब उसमें रिड्यूस होता है ना, तो उसमें दोनों का मिला हुआ रहता है 23 23, इसलिए उसमें मियोसिस के थ्रू है। क्लियर? मल्टीपल फ्यूजन में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, नहीं न्यूक्लियर डिवीजन तो हाँ न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा ही, बिल्कुल होगा, मल्टीपल फ्यूजन में भी न्यूक्लियर डिवीजन होगा। सर आज क्लास बहुत अच्छी थी, ओके फाइन, केमिस्ट्री की क्लास, सर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर कौन सा रिसोर्सेस लें, ठीक है, तो लगभग सबकी डाउट्स तो क्लियर हो गई होगी। अगर सर देख लीजिए किसी की मतलब कोई रेज हैंड तो नहीं ना है जिनको बहुत लग रहा है, मैंने लगभग तो मैंने सबकी डाउट्स क्लियर कर दिया, ऐसे कोई देख लीजिए किन्हीं को कुछ और डाउट पूछना है जो चैट बॉक्स में नहीं लिख पाए हैं। जीनत आलम बोलिए, सवाल पूछिए। सर स्पोरुलेशन एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा स्पोरुलेशन मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, और कोई डाउट? नो सर। अच्छा ठीक है चलो नेक्स्ट, मोहम्मद कैफ। हाँ जी बोलिए मोहम्मद कैफ। बाइनरी फ्यूजन होता है वो कितने टाइप का होता है? क्या जो बाइनरी कितने टाइप के होते हैं? बाइनरी फ्यूजन सिर्फ एक ही टाइप का होता है, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है ना, और वो उतना डीप में उसमें कुछ जाकर करके पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। डोंट नीड टू बिकम अ बॉटनिस्ट, ओके, यू वांट टू क्रैक योर नीड। बाइनरी फ्यूजन कितने टाइप की होती है इसे क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। बाइनरी फ्यूजन एक सिंपल होती है जो अमीबा में हो रही है, ठीक है ना। बाइनरी फ्यूजन टाइप की क्या, बाइनरी फ्यूजन नॉर्मल है, बाइनरी बाइनरी मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर जा रहा है, मल्टीपल मल्टीपल मतलब जैसे कि बाइनरी में सिंगल अमीबा दो डॉटर सेल्स में कर रहा था, ठीक है ना, और इसमें क्या होता है मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि जो बहुत सारे अमीबा में जो मल्टीपल फ्यूजन किस केस में हो रही है, इंसिस्टेशन के केस में होती है, जब उनके अनफेवरेबल कंडीशन आते हैं तो होती है। बाइनरी फ्यूजन कितने टाइप की होती है, तो आई पर्सनली से आई डोंट नो बाइनरी फ्यूजन कितने टाइप की होती है। इफ यू आर अ रिसर्चर इन बॉटनी यू कैन सर्च फ्रॉम एनीवेयर एल्स बाइनरी फ्यूजन कितने टाइप की होती है, नो एनी विल क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम दिस सच टाइप ऑफ इरिटेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके, वैसा क्वेश्चन पूछो कि जो तुम्हारे नीट में आ सकता है। इनको डिस्कनेक्ट करें, दूसरे से क्वेश्चन पूछें। नंदिनी आप पूछिए। सर एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट क्लास, सो सर मैंने पहली दो क्लासेस नहीं ली थी, तो सर वो वीडियोस मुझे कहाँ पे मिले? नहीं, पहली दो क्लास कुछ भी नहीं हुई है बाबू, ठीक है ना, पहली दो क्लासेस कुछ भी मेरे से नहीं हो पाई इतना डिस्टरबेंस की वजह से। आज बैठ तो बोल रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से आज क्लास चला है, मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाया, दिस इज द फर्स्ट क्लास। हाउ यू डू यू लाइक दैट क्लास? यस सर वेरी नाइस, आई एंजॉयड अ लॉट। ओके फाइन, एंड सर वन मोर थिंग, एंड सर वन मोर थिंग, आप 12th के ही पढ़ाओगे? No, I will continue both the subject, both 11th and 12th. I am teaching you about whole NEET examination. My responsibility is to complete both class 11th and 12th within 100 days. Okay, if you guys give me such time to cover NCERT in a good manner, I definitely complete it within 100 days. Okay. ठीक है, समझ में आ गया? खुशी खान जल्दी पूछिए। सर हाँ, आपने वो बताया था ना गैमेट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें या गैमेट से मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है? हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो सिंगल पेरेंट होता है, वो कोई मेल फीमेल नहीं, वो सिंगल पेरेंट कोई भी हो, मेल फीमेल कुछ भी हो, पेरेंट का कोई डिटरमिनेशन नहीं होता है, कोई भी हो, ठीक है ना, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, गैमेट आ रहा है ना, तो कोई भी हो सकता है वो? हाँ वो बिल्कुल कोई भी हो सकता है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बाबू,
तुमको जो गैमेट बनता है बहुत कम केसेस में, कुछ केसेस में गैमेट बनता है और ज्यादातर केसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनता है, नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता। जैसे अमीबा में, अमीबा में गैमेट बनता है, अमीबा में गैमेट बन रहा है, नहीं, नहीं बन रहा है। हाँ। तो वो जो एक्सेप्शनल केसेस है ना वो फर्दर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोग को, पता नहीं तुम लोग इलेवेंथ बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, आई फर्दर ट्राई ऑल्सो टू कम्बाइन वन डे इलेवेंथ एंड वन डे ट्वेल्थ लाइक दैट। तो इससे बेटर होगा कि तुम लोग का दोनों चलता रहेगा तो आपस में इंटर रिलेटेड रहेगा। कोई नहीं, फाइन। और कोई दिक्कत? यस सर। बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं अभी अभी बिल्कुल ज्वाइन, जस्ट अभी ज्वाइन हुआ हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने ना आपका कुछ लेक्चर कुछ सुना, इसके लिए सर सॉरी सर, मुझे अभी पता लगा जस्ट ऐप के थ्रू, मुझे अभी पता लगा थोड़ी ही देर पहले, तो मैंने जैसे ही पता लगा मैंने ज्वाइन कर लिया फौरन। ओके फाइन, यू विल डेफिनेटली एंटरटेन मी इन माय नेक्स्ट क्लास। ओके, यू विल ज्वाइन माय नेक्स्ट क्लास। टाइमिंग क्या रहेगी आपकी वैसे यहां की क्लासेस की? वो तुम लोगों को अपडेट मिलती जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके रमशा इमरान, रमशा इमरान सर, आपकी क्लास की नोट्स कहां पर मिलेंगे? मैं नोट्स, क्या नोट्स अभी चाहिए, अभी नोट्स की क्या जरूरत है? मुझे एक बात नहीं समझ में आता, एक 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 मैं डाउट सबका क्लियर करना चाहता हूँ। वेट, देखो तुम्हारे पास ना एनसीईआरटी से बड़ा कोई नोट्स नहीं है। मैंने एनसीईआरटी कैसे पढ़ाया, तुमने मेरा पूरा लेक्चर देखा था या नहीं देखा था, पहले ये बताओ। एल रमशा, नाउ डिंस कनेक्ट हो गई। रिदा फातिमा, रिदा फातिमा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम, बोलिए सर। थोड़ा पढ़ हिंदी में समझाइए। ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है। और कुछ, और कुछ, और कोई डाउट नहीं ना जी? और कुछ नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, दूसरे को लिए। यस सर। हाँ जी बोलिए सर। ये माइटोटिस सिर्फ सिंगल सेल में ही होगा? हाँ, माइटोसिस सिंगल सेल में ही होता है। यस डेफिनेटली, माइटोसिस मैक्सिममली अकर्स इन सिंगल सेल। फाइन, थैंक यू। मैसेज बॉक्स में डालिए, अगर वन बाय वन जो है ना बहुत टाइम लगेगा अनम्यूट म्यूट करने में, मैसेज बॉक्स में अपने क्वेश्चन टाइप करके छोड़ दिया करिए, सर सबके जवाब दे देंगे धीरे धीरे। अब लगभग सर किसी को कोई जरूरत नहीं सर, अब लगभग सबका डाउट क्लियर है। एक जो बच्ची पूछी थी, पता नहीं वो लाइन पे है या नहीं है, बट उसने उसका क्वेश्चन था, वो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करते, जो उसने स्पोरुलेशन पूछा था कि फिर से बता दीजिए स्पोरुलेशन, ठीक है ना। तो मैं उसका डाउट यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, स्पोरुलेशन को जो फिर से बताने का बोल रहा था, ठीक है। वेट, देखो स्पोरुलेशन क्या था ना, स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन कहाँ पे होता है? स्पोरुलेशन तुम्हारा जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है ना, जब पहले अमीबा के पास अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल जो कंडीशन होती है तो अमीबा में क्या बन जाता है जी, सिस्ट बन जाता है ना, सिस्ट बन जाता है। सिस्ट क्या है? थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो जो सिस्ट बना लेता है अमीबा आसपास में, तो जब उसके पास फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आ गई, जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आने के बाद उसमें क्या होता है, वो सिस्ट जो था ना अमीबा के ऊपर, जैसे कि ये अमीबा है और ये क्या है, इसके ऊपर सिस्ट बना लिया था ये इसने, ठीक है ना, ये सिस्ट बना लिया था। तो ये सिस्ट क्या कर गई, ब्लास्ट कर गई, ब्लास्ट कर गई, तो इसमें से बहुत सारे स्पोर्ट्स निकले, है ना। और स्पोर्ट्स निकल करके हायर स्पोर्ट्स क्या हुए, बहुत सारे मेनी अमीबास बन गए, बहुत सारे अमीबा बन गए, है ना। तो ये बहुत सारे अमीबा बने, तो ये किस चीज से बने, स्पोर्ट्स निकले, तो ये क्या हो गया, स्पोरुलेशन, है ना, स्पोरुलेशन। तो ये हो गया तुम्हारा स्पोरुलेशन, क्लियर हो गया। जब उनके पास फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आया तो ये सिस्ट ब्लास्ट किया, इसमें से स्पोर्ट्स निकला, स्पोर्ट्स निकलने के बाद क्या हुआ, तुम्हारा अमीबा डिफरेंट मल्टीपल अमीबा बना, और ये
किस मेथड से बनता है ये ध्यान रखना, मैंने बताया है ऑलरेडी मल्टीपल फिजन से। यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल फिजन हुआ, क्लियर। चलो अब एक बच्चा कोई पूछ रहा है सर माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस बता दीजिए। चलो कितना बार मैं बता चुका, लगता है सब क्लासेस ना लेट से ज्वाइन किए और कोई बातें नहीं है सबकी। चलो वेट, चलो देखो माइटोसिस और मियोसिस है ना, माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस में क्या है बाबू। देखो माइटोसिस का मतलब क्या हुआ, 10 बार मैंने बता दिया, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब इक्वल, इक्वल है ना, इक्वा, इक्वा मतलब इक्वल, इक्वल डिवीजन। कहने का मतलब अगर 46 है तो ये बिल्कुल 46 में ही जाएगा, 46 क्रोमोसोम से तो 46 में ही ट्रांसफर होगा, बिल्कुल इक्वल में ही ट्रांसफर होगा, इसमें कोई ये नहीं होगा। वही जब मियोसिस की बात करें तो ये क्या है, कौन सा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है ना, रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है क्रोमोसोम नंबर्स बेसिकली। तो जैसे कि क्या है, ये 46 है ना, तो कैसे जाता है 23। अब तुम सोचोगे एक बात ध्यान से कि हम लोग मेल हैं फीमेल हैं, हम लोग रिप्रोडक्शन हुई है ना, जब रिप्रोडक्शन होती है तो उनके में जो गैमेट बनता है, जो जाइगोट बनता है, तो वो जो मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मेरे माँ मदर फादर, मदर में से कितना आया होगा 23 क्रोमोसोम, फादर में से 23, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है 46 बनाता है। तो वही चीज, अब हम जब फर्दर रिप्रोड्यूस करेंगे तो मेरे में से कितना निकलेगा 23, और फिर 23 और कहाँ से निकलेगा, मेरी वाइफ में से आएगा। तो बेसिकली क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन बेसिकली गैमेट फॉर्मेशन के लिए होती है, ठीक है ना, गैमेट जो बनती है, ठीक है ना, फाइन। और इसमें माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन, ये माइटोसिस बेसिकली एसेक्सुअल के केस में देखा जाता है, और मियोसिस सबसे ज्यादा सेक्सुअल के केस में देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मियोसिस से सेक्सुअल में माइटोसिस, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मियोसिस एसेक्सुअल में नहीं होगा, होता है, मियोसिस भी होता है एसेक्सुअल में, लेकिन वो कंडीशन अलग है, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे यही जानना है कि माइटोसिस बेसिकली एसेक्सुअल में होता है, माइटोसिस का मतलब इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है। माइटोसिस में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और रिडक्शनल डिवीजन में रिड्यूस्ड हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हाँ, मैं बताता हूँ, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन जो पूछ रहा है ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम तो मैं नोट करके रखूंगा, मोहम्मद कैफ है ना, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। तुम ही मुझे पढ़ाना ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन क्या होती है, आई डोंट नो। ओके, इस टाइप के फालतू सवाल तो बिल्कुल नहीं पूछे गए ना, कि तुम लोगों को ना क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है ना तुम लोगों के साथ, तुम लोग बहुत माइंड, तुम लोग ही ना उल्टी सीधी जगह रहती है, कोई आकाश का मॉडल पढ़ लेता है, कोई एलन की मॉडल, उल्टी सीधी चीजें पढ़ कर करके कभी जिंदगी में नीट निकलता नहीं है ना। और सोचोगे हम तो सबसे तेज हैं, हम सबसे होशियार हैं, ऐसे ऐसे उल्टी सीधी सवाल पूछते रहते हैं, कोई इशू नहीं, नो इशूज। सो सर लगभग सब बच्चों का जो डाउट क्लियर ही हो गया, और नो इशूज विद दैट। एक बार और चैट बॉक्स देख लीजिए, कई मैसेज आए हुए हैं उसमें भी। सर माइटोसिस एसेक्सुअल में और मियोसिस सेक्सुअल में ही होता ही है ना, हाँ होता है, लेकिन कहीं पे कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं, वो मैं बताना। सर आपने जो बुक बताई थी वो हिंदी में भी आती है क्या? नहीं, हिंदी में नहीं आती है वो। सर इस एनसीईआरटी बुक्स आर इनफ फॉर नीट, एग्जैक्टली अंजस शेख, एनसीईआरटी बुक इज इनफ फॉर मी, इनफ फॉर नीट। ओके, ये बच्चा मोहम्मद कैफ, इसको तुम क्या ही मैं बोलूं, नीट क्वेश्चंस कब से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके सर, टीचिंग मेथड्स आर वेरी नाइस, शायद इमान अंसारी। ओके फाइन, ग्रेट सर, यस सर, एवरीथिंग इज क्लियरली वेरी अंडरस्टूड। एनसीईआरटी का सिलेबस सुनो, ये सब फालतू की बात मत करो, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, कुछ नहीं चेंज हुआ, पूरा सिलेबस पढ़ना है। सानिया शेख, ठीक है सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सा रिसोर्स ले, मैंने जो बुक बताया है बस, उसके अलावा और कहीं से कुछ नहीं, ठीक है। चलिए सर फाइन, बहुत बहुत शुक्रिया, लगभग सबकी डाउट। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर, आप मतलब इस तरीके से क्लास कंडक्ट करें, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड टू फील टू। काफी अच्छा लगा, उन्होंने जो है काफी अच्छा आपने समझाया। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं सर को कैसा क्लास था आपका।
बहुत अच्छा फील हो रहा था इस तरीके से ही, मतलब पढ़ाने में बहुत। देखिए इनका जो वो हुआ गैप हुआ है, तो दिन में भी आप चाहें तो 11th के बच्चों को या 11th 12th के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो आप बता दीजिए, क्योंकि चार साल। ओके सर, ओके ओके सर, बुक बता दो, एक सेकंड मैं चैट बॉक्स में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है? डॉक्टर राजीव विजय, ये बुक तुम लोगों को बाबू अमेज़न फ्लिपकार्ट पे ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी फॉर नीट। आज तो मैंने कम काफी थोड़ा ही सा पढ़ाया, लेकिन हाँ इसलिए पढ़ाया कि बच्चे लोगों का मैं थोड़ा इंटरेक्शन देखना चाहता हूँ, उस दो दिन से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, तो ये दो वॉल्यूम में। थैंक यू खान गुन्नाज एंड नीज। ओके फाइन ठीक है सर, ओके बाय बाय, ओके अल्लाह हाफिज। सर मैं मीटिंग एंड कर दूं, चला सर? हाँ ठीक है, मैं एंड कर दे रहा हूँ। 6:45 पे आपका दूसरा क्लास स्टार्ट होगा केमिस्ट्री, 6:45, ठीक है? अभी बच्चे केमिस्ट्री के लिए आ जाएंगे, ठीक है? 5 मिनट पहले से स्टार्ट कर दूंगा, 6:40 पे भी आ सकते हैं, 5 मिनट लगता है, ठीक है? शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।